कृष्ण फ्रेंड, स्वागत है आपका रसिका फूड ब्लॉग में। और देखिए, ये मैंने आज बनाई है बेसन की बर्फी। ये देखिए, ये बेसन की बर्फी बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। ये देखिए, घर की बनी हुई मिठाई, हेल्दी और टेस्टी। और अगर आप भी चाहें ये मिठाई बनाना, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बेसन की ये बर्फी बनाने की रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फी। उसके लिए देखिए, ये हमने लिया है बेसन, और बेसन को हम इस तरह से पैन में डालकर और थोड़ी देर तक बेसन को भूनेंगे। और इसमें हम अभी घी नहीं डालेंगे। जब ये हल्का सा भुन जाएगा 2-3 मिनट बाद, तब हम इसमें घी डालेंगे, क्योंकि हमें बेसन की बर्फी बनानी है। और अगर उसमें घी ज़्यादा हो जाए या घी कम रह जाए, तो फिर बर्फी जमने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम 2-3 मिनट तक बेसन को पहले भून कर फिर उसमें घी डालेंगे। देखिए, ये हम बेसन को भून रहे हैं, और आप लो फ्लेम पर ही इसे भूनिए। आप गैस को तेज मत कीजिए, वरना उससे क्या होगा, बेसन तो आपका जल्दी भुन जाएगा, लेकिन बेसन में कच्चापन रह जाता है, वो जल जाता है, और उससे हमारी बर्फी का टेस्ट ख़राब होगा। तो इसलिए आप फ्लेम को तेज ना करें, और इसी तरह से लो फ्लेम पर बेसन को भूनें। और देखिए, अब ये हमने ली है सूजी। जितना आपने बेसन लिया है, उसकी चौथाई आप सूजी लीजिए, और सूजी को बेसन में मिक्स कर दीजिए। उससे हमारी बर्फी दानेदार बनेगी। ये देखिए, इस तरह से सूजी को भी आप बेसन के साथ भून लीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। ये देखिए, यह देसी घी। आप अगर चाहें तो इसमें वनस्पति घी भी डाल सकते हैं। देखिए, और अगर मुझे ये सूखा लगेगा, तो इसमें मैं और घी ऐड करूँगी। पहले मैं देख लेती हूँ। देखिए, सूजी को हमें इस तरह से चलाते हुए और लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। सूजी हमारी जितनी अच्छी भुनेगी, ये कलर चेंज कर देगी। अगर आपकी सूजी कच्ची रह गई, तो आपकी जो बर्फी है वो अच्छी तरह से जमेंगी नहीं, और उनका टेस्ट भी आपको कच्चा कच्चा लगेगा। देखिए, ये हम इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर खुशबू के लिए। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो, मेरी रेसिपीज़ आपको अगर पसंद आती हों, तो मेरे चैनल को लाइक किया कीजिए, कमेंट करके बताया करिए। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। देखिए फ्रेंड, इसमें घी ऊपर आने लगा है। ये देखिए, इस तरह की हो गई है, कलर भी चेंज होने लगा है इसका। और अभी हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। ये देखिए, ये एकदम बाजार जैसी बर्फी बनेगी, बेसन की बर्फी, घर की बनी हुई मिठाई, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। आप इसे रख सकते हैं, और आप इसे 4-5 दिन तक आराम से खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से भुन गया है हमारा ये बेसन और सूजी। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, पूरी किचन खुशबू से महक रही है। और जब इसमें से खुशबू आने लगे और बेसन अपना कलर चेंज कर दे, घी छोड़ने लगे, अब देखिए ये पूरा इकट्ठा होने लगा है कढ़ाई। ये देखिए, कढ़ाई में इकट्ठा होने लगा है, तब आप समझ लीजिए कि बेसन हमारा भुन गया है। क्योंकि इसमें बेसन की भुनाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आपने बेसन कितना अच्छा भुना है। जितना आप सही तरीके से बेसन भुनेंगे, आपकी बर्फी उतनी ही टेस्टी बनेगी। देखिए, भुन गया है बेसन और सूजी। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसमें मीठा मिलाएंगे। देखिए, हम इसमें मिला रहे हैं ये पिसी हुई चीनी। आप अपने हिसाब से मीठा रखें, जितना आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें पिसी हुई चीनी डालें। और ये देखिए, गैस हमारी बंद है, और इसे अच्छी तरह से आप इसमें गांठें ना रहें, अच्छी तरह से चीनी को आप इस तरह से बेसन में मिक्स कर लीजिए। देखिए, ये हमने प्लेट में घी लगा लिया है, और अब हम मटेरियल को इस तरह से प्लेट में डाल देंगे। आपके पास कोई भी प्लेट हो, उसमें आप घी लगाकर और मटेरियल को इस तरह से प्लेट में सेट कर दीजिए। देखिए, बर्फियों को हमने इसमें जमा दिया है,
और ये हम इसे ड्राई फ्रूट से इस तरह से सजा देंगे। ये देखिए, अगर आपके पास सिल्वर वर्क हो तो आप वो भी इस पे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हमने ड्राई फ्रूट से सजा ली हैं और अब हम 1 से 1.5 घंटे के लिए इन्हें रख देंगे और फिर जब ये हमारी बर्फियाँ जम जाएंगी तो हम इनसे बर्फी काटेंगे। देखिए लगभग 1 घंटा हो गया है, हमारी बर्फियाँ जम गई हैं और हम इन्हें काट रहे हैं। ये देखिए ये काफ़ी आसानी से कट रही हैं, आप अपने मनपसंद आकार में इन्हें काट लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी बर्फी इस तरह से जम गई हैं और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये बन गई हमारी बेसन की बर्फी। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह की बनी है। आप भी इन बर्फियों को बनाकर ज़रूर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं ये बर्फियाँ। ये देखिए इस तरह से आप भी इन्हें बनाकर ज़रूर खाएं। आप इन्हें बनाकर कंटेनर में रख लीजिए और ये आराम से आप 7 से 8 दिन तक इन्हें खा सकती हैं, ये ख़राब नहीं होती और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। तो अगर आपको बर्फी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।